आज की वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ। मैं बात करने वाला हूँ कि पेंसिल को किस तरीके से शार्प करनी चाहिए। बात करूँ तो आपने कभी ना कभी अपने बचपन में पेंसिल को शार्प करा ही होगा। नर्सरी टू फिफ्थ क्लास तक हम पेंसिल का ही यूज करते हैं और सब लोग जानते हैं किस तरीके से इसे शार्प करा जाए। ज्यादातर लोग शार्पनर्स का यूज करते हैं और अगर मैं बात करूं हम जो आर्टिस्ट लोग यूज करते हैं वो शार्पनर को प्रेफरेंस नहीं देते हुए ब्लेड का यूज करते हैं, जो कि मैं अपने आगे वीडियो में बताऊंगा किस तरीके से आपको शार्प करना चाहिए। आर्टिस्ट लोग जो पेंसिल को शार्प करते हैं वो टोटली डिफरेंट होता है एक ऑर्डिनरी से। लेकिन उससे पहले गाइस, हेलो, दिस इज मी शैबर एंड यू आर वॉचिंग आर्ट बाय शैबर। एंड अगर मैं बात करूं इस टाइप की पेंसिल को शार्प करने का रीजन क्या होता है, तो आप एक एग्जांपल से समझिए। कभी आपने अगर ब्रश खरीदा हो तो आपको पता होगा कि ब्रश की जितनी ज्यादा नुक जो होती है उतना ही ज्यादा बढ़िया ब्रश होता है, और जितना वो पीछे से मोटा होता है वो उतना ही ज्यादा बढ़िया होता है जो एरिया को ज्यादा कवर कर सके। तो नुक होती है और जो एरिया कवर करने का तरीका होता है उसी को ही ध्यान में रखते हुए कुछ आर्टिस्टों ने इस तरीके की टेक्निक को इजाद किया है, जिसमें हम आगे की पेंसिल की टिप निकालते हैं एंड देन जो पीछे की पूरी लेड होती है उसका यूज करते हैं ज्यादा एरिया को कवर करने के लिए। तो मैं इस वीडियो में तीनों मेथड बताऊंगा कि आप बिगनिंग स्टेज से प्रो तक किस तरीके से अपनी पेंसिल को शार्प कर सकते हैं। टाइम वेस्ट नहीं करता हूं, मैं सीधा स्क्रीन पे ले जाता हूं और आपको डेमो करके दिखाता हूं कि किस तरीके से आप अपनी पेंसिल को शार्प कर सकते हैं। यहां पे मैंने तीन तरह के ब्लेड और तीन तरह की पेंसिल्स रखी हैं डेमो के लिए। तो फर्स्ट वन स्टार्ट करता हूं मैं इस बेसिक पेंसिल, नटराज की पेंसिल और नटराज के शार्पनर। तो हमने अपने बचपन में एक ना एक बार तो जरूर इस पेंसिल और इस शार्पनर को यूज करा होगा और डेफिनेटली यूज करा होगा। सबसे पहले बात आती है नॉर्मल तरीके से शार्प करना, जो कि हम बचपन में करते ही थे। जैसे अभी देख सकते हो, मैं डेमो करके दिखाता हूं। देख सकते हो कि मैंने सिंपली इसे शार्प करा है और शार्प करके देख सकते हैं आप कि ये नॉर्मल जैसे आप अपने बचपन में करते थे ये बिल्कुल वैसी है। बहुत सारे लोग इसको आउटलाइन के यूज करते हैं और मैं इसे बेस्ट मानता हूँ आउटलाइन के लिए। अगर आप मैकेनिकल पेंसिल यूज नहीं करते, मैं पहले प्रेफर करता हूँ मैकेनिकल पेंसिल को यूज कर लीजिए, देन मैं कहता हूँ कि आप इसको यूज कर सकते हैं। ये बेस्ट ऑप्शन है अगर आप आउटलाइन कर रहे हैं। लेकिन ये जब शेडिंग की बारी आती है तो कहीं ना कहीं ये लूज रह जाता है और उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता जितना अच्छा एक प्रोफेशनल तरीके से हम जब शार्प करते हैं। मैं आगे बताऊंगा कि किस तरीके से प्रोफेशनल लोग अपनी पेंसिल को शार्प करते हैं। अच्छा, और सबसे पहली बात कि अगर कोई भी आर्टिस्ट अपनी पेंसिल को शार्प करना चाहता है तो वो सोचता है कि कम से कम ग्रेफाइट वेस्ट हो। तो इसी के लिए जो मैं लास्ट में जो बताऊंगा आपको मेथड, वो आप ज़रूर डेफिनेटली ट्राई करिए, क्योंकि इससे आपके काफ़ी हद तक जो है ग्रेफाइट बच जाएगा। तो मूविंग ऑन, इसी के में ही आप सिंपल शार्प को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूजिंग दिस टेक्निक। अगर आपको पेंसिल को इस तरीके से थोड़ा सा टेढ़ा करके शार्प करेंगे, अगर होगा ये कि जो आपकी पेंसिल की टिप है नहीं वो ज़्यादा निकल आएगी और ग्रेफाइट जो है वो कम वेस्ट होगा। तो ये भी टेक्निक काफ़ी लोग यूज़ करते हैं जब उनको कोई लाइंस ड्रॉ करनी होती है किसी आर्टवर्क में और कम वो चाहते हैं कि वो ब्लेड से शार्प नहीं करना चाहते। तो बहुत सारे लोग इस तरीके के टेक्निक को भी यूज़ करते हैं और मैं इसे कहता हूँ हाँ ठीक ठाक है। अगर आप जल्दी कुछ काम करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली इसकी तरफ जा सकते हैं। मूविंग ऑन माई नेक्स्ट मेथड, वो ये है कि आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये शार्पनर थोड़ा सा बड़ा है और ये आपको अच्छी लेड निकाल के दे देता है और पैनी भी काफ़ी होती है। तो इससे ये होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेफाइट का यूज़ कर सकते हैं विदाउट शार्पिंग अगेन एंड अगेन। तो इसमें जब होता है ये है कि आप सिंपली इसे शार्प करिए और उसके बाद अपने आर्टवर्क में यूज़ करिए और जो बचता है वो आप एज अ ग्रेफाइट पाउडर यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ और, अगर आपका ये ब्लंड हो जाए तो आप विद द हेल्प ऑफ सैंड पेपर आप इजीली इसे शार्प कर सकते हैं दोबारा से। और यही मैं कभी कभी यूज़ करता हूं जब मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता हूं उसे शार्प करते टाइम। ओके, तो इसमें तो ज़्यादा कुछ है नहीं बताने के लिए क्योंकि हर कोई इससे अवेयर होगा। बट द नेक्स्ट जो है वो प्रोफेशनल लोग यूज़ करते हैं, प्रोफेशनल लोग बहुत सारे इसको अपने आर्टवर्क में यूज़ करते हैं। मूविंग ऑन नेक्स्ट, तो ये आता है दो तरीके के ब्लेड मेरे पास हैं, एक ये और एक ये। दोनों का काम सेम ही है, बस मैं प्रिफर करूँगा कि आप इसको लें ना कि इसको, क्योंकि आपको इसको शार्पनर की तरह पूरा चेंज करना पड़ेगा ना कि इसको, सिर्फ आपको इसका ब्लेड यूज़ करना पड़ेगा। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, आप इसकी बॉडी पे इन्वेस्ट कर लीजिए एंड देन आप इसको इजीली हेल्प में ले सकते हैं। ओके, तो मैं इसको बिल्कुल प्रेफर नहीं करता, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो इसके कुछ ब्लेड्स हैं जो आपको मार्केट में मिल जाएंगे इजीली, मेडिकल स्टोर पे बहुत ही इजी तरीके से आपको मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। तो बस आपको ये बॉडी जो है वो आपको देखनी पड़ेगी, हो सकता है अमेज़ॉन या वगैरह कहीं पर भी मिल जाए। ओके, तो बात करता हूँ, मैंने यहाँ पे इसको छील के रखी है। मैं डेमो के लिए दूसरी पेंसिल लेता हूँ और वो है ये 10B की।
10V की पेंसिल मैं यूज करता हूँ, किस तरीके से मैं शार्प करता हूँ। ओके, तो सिंपली हमको हल्के हल्के इसके ऊपर की लेयर बाय लेयर उतारना है, लेयर बाय लेयर इसकी पेंसिल की वुड जो है वो उतारनी है ग्रेफाइट पे से। बस हमें इतना ही करना है, जैसा मैंने इस वाले में दिखाया बिल्कुल सेम इसी तरीके से करना है। अभी मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ किस तरीके से करना है। आपको इसमें पेशेंस रखना पड़ेंगे, क्योंकि विदाउट पेशेंस आप इसकी लेड ब्रेक कर देंगे और वो बहुत ही ज़्यादा दुखद होता है एक आर्टिस्ट के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बहुत मेहनत करके एक आर्टवर्क बनाता है, उसके बाद उसे सेल करता है, देन वो परचेज करता है पेंसिल्स वगैरह, तो वो उसके लिए महंगे पड़ते हैं। क्योंकि इंडियंस में जो फैमिलीज होती हैं वो बहुत कम इस चीज़ को प्रमोट करती हैं, और जो करती हैं वो दे देती हैं। मैं एक जनरल बात बता रहा हूँ, क्योंकि ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है, बहुत सारे लोग मेरी बात से रिलेट कर पाएंगे, सकता है बहुत सारे लोग मेरी बात को एग्री करें, बहुत सारे लोग मेरी बात को डिसएग्री करें, तो ये तो चलता ही रहता है कि कोई लोग आपसे सहमत होंगे, कुछ लोग आपसे सहमत नहीं होंगे। ओके, तो देखो ये फाइनली पहुंचने वाला है, लेकिन हाँ आपको ये करना है कि इसकी नुक जो है उसे डैमेज नहीं करना किसी भी तरीके से, जल्दी नहीं करना है, बहुत आराम आराम से करना है। ओके, और हाँ एक चीज और, जैसे मैंने इसमें बता दूं आपको कि आप बोलेंगे कि ये इतनी छोटी क्यों रखी और ये इतना बड़ा क्यों रखा, तो इसके दो रीजन है। एक तो रीजन है कि ये जब ये है F, यानी कि सबसे लाइटेस्ट पेंसिल होती है और इसकी लेड भी बहुत मजबूत और हल्की होती है, और ये जो होती है 10B और 12B 6B 8B ये सब हाई डार्क होती है, तो इनकी लेड बहुत मोटी होती है, जल्दी ब्रेक हो जाती है, सॉफ्ट होती है। हाई ग्रेड पे जितना हो सके आप उतना छोटा शार्प करिए, वरना आपके साथ ये होगा, कुछ टाइम पहले मेरे साथ यही हुआ और आप देख सकते हो कि ये लेड मुझसे टूट गई। ये टूटने के बाद बहुत ही ज़्यादा किसी काम की नहीं रहती टूटने के बाद बेसिकली, तो मैं इस चीज़ को प्रेफर नहीं करूँगा बिल्कुल भी कि आप जाएं और क्या नाम है इस तरीके से ज़्यादा शार्प कर लें। यहाँ पे सिर्फ इतना ही शार्प करना है जितना आपको यूज़ में आए, क्योंकि इसे बार बार यूज़ करना, और जो शार्पनर होते हैं उनमें ये शार्प नहीं होता और ये तोड़ देगा बार बार अगेन एंड अगेन, इसीलिए आपको ये तो करना ही पड़ेगा अगर आप 10B या हाई ग्रेड की कोई भी पेंसिल यूज़ करते हैं तो। ओके, अब मैं यहाँ पे एक बताता हूँ कि आप इसको शार्प करने के बाद जब ब्लंट हो जाए तो आप किस तरीके से इसे शार्प कर सकते हैं अगेन। तो सिंपली आपको इसके ऊपर रखना है और इसे रब करना है आगे पीछे, तब तक कर सकते हैं आप जब तक इसकी टिप शार्प नहीं हो जाए। ओके, तो बस यही करते रहना है आपको। ओके, और हाँ बार बार चेक कर लें, जैसे अभी आप देख पा रहे हो अगर तो ये टिप शार्प हो गई है बिल्कुल। अब हाँ ये सबसे बेस्ट है कि जो इसका ग्रेफाइट पाउडर बचा वो आप किसी भी वाइट पेपर पे लेके कलेक्ट कर लें, ताकि वो आगे आप यूज़ कर सकें किसी भी आर्टवर्क में इजीली। तो यही एक टेक्निक है जो बड़े बड़े आर्टिस्ट यूज़ करते हैं, बाकी इसमें ऐसा कुछ बताने के लिए है नहीं, आप सिंपली इन्हें शार्प कर सकते हैं विदाउट डैमेज। एक चीज़ और, इन्हें किसी भी टेबल वगैरह पे नहीं रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आपने इन्हें टेबल पे रखा और किसी बाउंड्री वाली चीज़ में नहीं रखा, जैसे कि मैं जब वर्क करता हूँ तो मैं या तो इस तरीके के बॉक्स पे यूज़ करने के लिए रख देता हूँ ताकि ये गिरे नहीं, क्योंकि एक बार जब मैंने ऐसी टेबल पे रख दिया था और ये गोल गोल घूमते हुए नीचे गिर गई थी, और उस चक्कर में उनकी जो लेड थी वो ब्रेक हो गई थी, थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया आपको। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप जितना हो सके उतना संभाल के रखने की कोशिश करिए, और ये कुछ तरीके हैं, और हो सकता है मे बी और तरीके हों। आर्टिस्ट होते वो चीज़ लोग हैं जो कुछ नया क्रिएट करते हैं, कुछ नया चीज़ समझाते हैं, कुछ नया चीज़ बताते हैं। ग्रेफाइट पाउडर से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज हैं आपकी वो आप सीधा आई बटन में मिल जाएगी वीडियो, उसमें आप जाके देख सकते हो, सिंपली वहाँ पे आपको मिल जाएगा ग्रेफाइट पाउडर का यूज़ क्या होता है, बेनिफिट क्या होते हैं, आप बना कैसे रखते हो। बिल्कुल इसी तरीके से बनाता हूँ मैं भी ग्रेफाइट पाउडर को जब मुझे यूज़ करना होता है। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू, एंड अगर आपके पास कोई और नए सजेशन हो या फिर किसी और तरीके की आपको टेक्निक पता हो जिससे आप शार्प करते हैं पेंसिल को, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसे डेफिनेटली यूज़ करूँगा, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बताया कि आर्टिस्ट के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं होती, वो कोई भी टेक्निक नहीं बना सकता। तो आप में से या कोई भी, बहुत सारे लोग बड़े बड़े आर्टिस्ट हो जाते हैं, MFA कर लेते हैं, वो
ज्यादातर अपना खुद का एक नया स्टाइल डेवलप करते हैं। एमएफ हुसैन ले लो, चाहे विंसेंट वान गो ले लो, पाब्लो पिकासो को जानते होंगे, उन्होंने क्यूबिक टाइप ऑफ आर्ट फॉर्म की थी जिनको वर्ल्ड वाइड में हर कोई जानता है। तो इस तरीके के कुछ आर्टिस्ट हैं जो अपना खुद का एक स्टाइल डेवलप करते हैं, या फिर बहुत सारे जो यूनिक आर्टिस्ट हैं वो अपना खुद का स्टाइल क्रिएट कर लेते हैं एक सर्टेन एज पे। अगर आप अभी कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप करिए, सारे लोग उसको कॉपी करते हैं, बट कॉपी इज नॉट मीन कि आप उसको कॉपी कर रहे हैं और आप अपना खुद का कुछ क्रिएट नहीं कर सकते। देखिए, पहले आप बिगनिंग स्टेज में लोगों से सीखेंगे, जो बड़े बड़े आर्टिस्ट होते थे वो गुरु का यूज करते थे ताकि खुद का एक स्टाइल डेवलप कर सके। तो आप इस चीज की टेंशन बिल्कुल मत लीजिए कि आप अपना स्टाइल डेवलप नहीं कर पाएंगे या इस टाइप की कोई चीज। आप सिंपली अपना एक मोटिव रखिए कि मुझे क्या बनाना है। आप भले ही कॉपी करिए किसी भी आर्टिस्ट को, मैं भी एक आर्टिस्ट है जिनका नाम है आर्टिस्ट शुभम धोगरा, मैंने उनके कुछ आर्टवर्क को कॉपी किया था, लेकिन कॉपी में मैं उनसे यही सोचता था कि सीखूं ये जो टेक्निक है वो भी आई डोंट नो किसने करी है, बट मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट यूज करते हैं और अभी तक तो ये अननोन है, कोई ऐसा आया नहीं जिसने कहा हो ये मैंने पहले डेवलप करी है। शायद मेरे हिसाब से तो ये बहुत काफी टाइम पहले से चल रही है, काफी लोग इस तरीके से शार्प करते हैं। तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। और अगर किसी भी तरीके की कोई क्वेरीज या फिर किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे सीधा इंस्टाग्राम पे आ जाना, मैं वहां पे हमेशा एक्टिव रहता हूँ, मैं आपको आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तब तक लिए बाय।